से कब निकलेंगे 41 मजदूर, 7 दिनों से लड़ रहे जंग। प्रशासन ने ग्राम देवता को किया नाराज, ग्रामीणों के दावे में कितनी सच्चाई। रेस्क्यू के लिए इंदौर से पहुंची हाईटेक मशीन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ब्रह्मकाल यमुनोत्री एनएच पर सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच चारधाम परियोजना के एक निर्माणाधीन सुरंग 12 नवंबर को ढह गई थी, जिसमें 41 मजदूर अंदर फंस गए थे। पूरा देश राम जी के घर आने की खुशी के जश्न में डूबा था। दूसरी तरफ 41 जिंदगियां काल कोठरी में कैद हो गई थी। आज बचाव अभियान 7वें दिन में प्रवेश कर गया है, पर फंसे हुए मजदूरों के लिए अभी भी राहत के कोई संदेश नहीं है। बचाव अभियान जारी है। ऑस्ट्रेलिया से आए माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कपूर का कहना है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जियो मैपिंग टीम भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। हाईटेक टीम को भी इंदौर से लाया गया है। फंसे हुए मजदूरों के परिजन बेहद चिंतित हैं। वो अपनों की एक झलक देखने को तरस रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर सुरंग का काम करवाने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने सुरंग के रास्ते में पड़ने वाले देवता के मंदिर को तुड़वा दिया था, जिसके बाद में नहीं बनवाया गया। अब ग्रामीणों के अनुरोध पर ग्राम देवता को प्रसन्न करने और बाधाओं को दूर करने के लिए पंडितों ने सुरंग के मुख्य द्वार पर एक मंदिर स्थापित कर पूजा अर्चना की। पीएमओ के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि उन्हें राजस्थान के जयपुर से सांगानेर में अपनी बीजेपी पार्टी के लिए चुनावी सभाएं भी करनी पड़ रही हैं। NHIDCL के डायरेक्टर अंशु मशीन ने बताया है कि एक्सपर्ट का अनुमान है कि सुरंग 60 मीटर तक धंसी है, जिसमें करीब 25 मीटर तक की ड्रिलिंग की जा चुकी है। पर जो भी हो, सभी जिंदगियों को बचाया जाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।